all of you take out your science page number 53, chapter number 6, interdependence and environment. All of you jaldi se nikalo class. ओके निकाल चलिएगा, स्टार्ट करते हैं. आवर अर्थ इज मेड ऑफ लैंड एंड वाटर. हमारी जो अर्थ है किससे बनी है? लैंड एंड वाटर से, धरती और पानी से. इट इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. और इस पूरे अर्थ के, हमारे अर्थ के आसपास लेयर्स हैं बहुत सारे. उन लेयर्स को हम क्या कहते हैं? जो लेयर हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, इट इज कॉल्ड एन एटमॉस्फेयर. All living things need air, water and land to survive. हर living things को air चाहिए, पानी चाहिए, water चाहिए, air चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, water चाहिए and land चाहिए, धरती चाहिए survive करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए. So many non-living things are also found on earth. Living things are found होती है हमारी यहाँ पर the environment में, but as well as हमारे यहाँ पर non-living things भी होती है, हमारे earth पे मिलती है. ठीक है class. Biotic components. The living things found on the earth are called the biotic components. और जो living things होती है, जो हमारे earth पे living things हैं, जैसे कि हमारे living biotic components हैं land, air, water. एनिमल प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग, दीज आर नोन एज बायोटिक कॉम्पोनेंट. जो कॉम्पोनेंट्स लिविंग थिंग्स है, जो सांस ले सकती है, दीज आर नोन एज बायोटिक कॉम्पोनेंट. अबायोटिक द नॉन लिविंग थिंग्स, दे आर थिंग्स फाउंड ऑन द अर्थ आर कॉल्ड अबायोटिक कॉम्पोनेंट. और जो कॉम्पोनेंट सांस ही ले सकते हैं, लैंड, एयर, वाटर, ठीक है, तो दीज आर नोन एज अ अबायोटिक कॉम्पोनेंट. तो हमारी अर्थ में दो कॉम्पोनेंट मिलते हैं, एक बायोटिक और एक अबायोटिक. फैक्ट फाइव क्या है? द एटमोसफेयर हैज फोर लेयर. एटमोसफेयर की क्या है? चार लेयर है. ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड हमारे एटमोसफेयर की चार लेयर होती है. ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थ्रोपोस्फेयर. वी ऑल लिव इन द ट्रोपोस्फेयर 16 किलोमीटर थिक. और हम क्या है? हम क्या है? वी लिव इन द ट्रोपोस्फेयर. हाँ, हम ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं, जो कि हमारे एटमोसफेयर में 16 किलोमीटर थिक है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में 16 किलोमीटर थिक लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर आसपास, उसमें हम रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर. एनिमल प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग आर बायोटिक कंपोनेंट. एनिमल प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग, ये तीनों क्या है? बायोटिक. एंड लैंड, एयर एंड वाटर, ये क्या है? अबायोटिक. प्लस एनिमल प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग, ये क्या है? बायोटिक. एयर, लैंड एंड वाटर क्या है? अबायोटिक. नेक्स्ट है आपका डिपेंडेंस ऑफ प्लांट ऑन अबायोटिक कंपोनेंट. कुछ जो प्लांट्स अबायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंड है. प्लांट्स नीड एयर, वाटर एंड लाइट टू ग्रो. प्लांट्स को क्या चाहिए? एयर चाहिए, वाटर चाहिए, लाइट चाहिए अपने आप को ग्रो करने के लिए. बिकॉज अगर उनको ये तीनों ही नहीं मिलते तो प्लांट्स कहीं ना कहीं डेड हो जाता है, कहीं ना कहीं प्लांट मरने लगता है और बहुत जल्दी प्लांट की डेथ हो जाएगी. एयर, वाटर एंड लाइट आर अबायोटिक कंपोनेंट. और एयर, वाटर और जो लाइट है, एयर, वाटर जो लाइट है, ये क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट्स. सो प्लांट डिपेंड ऑन अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. सो प्लांट किस पे डिपेंड है? अबायोटिक कंपोनेंट्स. अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से? आपके एयर, वाटर एंड लैंड. लाइक प्लांट्स, अदर लिविंग थिंग्स टू डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट. दे डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट फॉर फूड, वाटर एंड और अदर प्लांट्स अदर लिविंग एनवायरनमेंट पे डिपेंड है. दे डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट फॉर फूड. अदर हम लोग किन पे डिपेंडेंट है? एनवायरनमेंट पे डिपेंड है उनके फूड, अपने फूड के लिए, एयर के लिए, हवा के लिए और वाटर के लिए. क्योंकि अगर हमें फूड नहीं मिलेगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? हमें एयर नहीं मिलेगी तो हम ब्रीथ कैसे करेंगे? ठीक है. और अगर हमें लैंड नहीं मिलेगी तो हम रहेंगे कहाँ? तो हम लोग भी कहीं ना कहीं अबायोटिक कंपोनेंट्स डिपेंडेंट है. नेक्स्ट है आपका डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट है. एनिमल्स डिपेंड डिफरेंट फूड. एनिमल्स प्लांट्स डिपेंड है प्लांट्स पे अपने शेल्टर के लिए, अपने रहने के लिए और अपने खाने के लिए. बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट ऑन ट्रीज. बर्ड्स क्या होता है? नेस्ट में ट्री बनाते हैं, पेड़ों में अपना नेस्ट बनाते हैं. स्क्वायरल्स मेक होल्स कॉल्ड रेज इन द ट्रंक्स ऑफ ट्री.
और जो स्क्वायरल्स है वो होल बनाती है, जो स्क्वायरल होती है वो पेड़ों के अंदर, मतलब पेड़ का जो ट्रंक होता है जिसको हम तना कहते हैं, उसके अंदर होल बनाती है और वहाँ पर अपना घर रहती है। मॉन्कीज एक्सेट्रा लिव ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। आपको जैसे कि पता है मॉन्कीज ट्रीज की ब्रांचेस में रहते हैं। बियर भी, जो भालू होता है जिसको हम बियर कहते हैं, बियर भी ब्रांचेस पे चढ़ जाता है और चीता भी ब्रांचेस पे चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो मॉन्की भी ब्रांचेस पे रहते हैं। ज़ेब्रा, एलिफेंट, जिराफ, डियर एसेट्रा लिव अंडर द शेड ऑफ द ट्री। जो ज़ेब्रा होता है, एलिफेंट, जिराफ और डियर, ये शेड के अंदर रहते हैं, मतलब ट्री की छाव के अंदर रहते हैं, ताकि ये गर्मी से बच सके, हीट से बच सके, ठंड से बच सके, मतलब ज़्यादा ना हीट हो ना ज़्यादा इनको ठंड लगे, ना ज़्यादा गर्मी लगे। तो ज़ेब्रा, एलिफेंट, जिराफ और डियर ये सब कहाँ है, प्लांट्स के ट्रीज की शेड में रहते हैं। मैनी इंसेक्ट्स बिल्ड देयर होम्स ऑन ट्री एंड इन द रूट्स ऑफ द ट्री। और बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि सिर्फ ट्रीज पे ही अपना घर बनाते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि ट्रीज की रूट्स में जाके घर बनाते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म अंडर द रूट रहता है हमेशा, मतलब जमीन में उसका घर होता है। रैट्स भी मतलब अंडर द ग्राउंड घर बनाते हैं। तो ठीक है क्लास, तो ये सारे क्या है, अलग अलग जगहों पर रहते हैं, बट ये आज पर ट्रीज के आसपास ही रहते हैं। On the basis of the feeding habits, मतलब इनके खाने की habits पे animal divided है तीन group पे। Animal अपने खाने की feeding habits की वजह से तीन group में divided है, herbivorous, carnivorous and omnivorous. Herbivorous और omnivorous में divided है। Herbivorous, animal which eat only plant are called herbivorous. जो plant सिर्फ और सिर्फ plants खाते हैं, जो animal सिर्फ और सिर्फ पेड़ों पे dependent है, plants पे dependent है, they are known as herbivorous. एग्जाम्पल डियर, जिराफ, एलिफेंट एसेट्रा, ये सब क्या है आपके हर्बीवोरस एनिमल्स है। कार्निवोरस, एनिमल विच ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड द कार्निवोरस। जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, उनके मांस खाते हैं, दीज आर नोन एज अ कार्निवोरस। एग्जाम्पल है आपके लायन, क्रोकोडाइल, टाइगर, चीता। नेक्स्ट है आपका ओमनीवोरस। ओमनीवोरस है आपका एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड ओमनीवोरस। जो एनिमल्स दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ओमनीवोरस। लाइक ह्यूमन बींग्स, डॉग, बियर, हीना, कैट एसेट्रा। ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कुछ बहुत सारे एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेट अस अंडरस्टैंड हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। प्लांट पे डिपेंडेंट है हर्बीवोर, हर्बीवोर पे डिपेंडेंट है कार्निवोर, ठीक है क्लास। जैसे कि डियर आपका हर्बीवोरस, लायन आपका कार्निवोरस और आपका बियर ओमनीवोरस। अब प्लांट पे कौन डिपेंडेंट है, हर्बीवोरस वाले एनिमल्स लाइक डियर, जिराफ, एलिफेंट एंड ये सब डिपेंडेंट है। और हर्बीवोरस पे कौन डिपेंडेंट है, लायन, क्योंकि अगर लायन को डियर नहीं मिलेगा शिकार के लिए तो लायन को भूख कैसे मिटेगी। तो वी सी अबव द डियर ईट्स प्लांट एंड द लायन ईट्स द डियर। हमने जैसे कि ऊपर देखा डियर क्या खाता है, प्लांट्स, और प्लांट्स को कौन खाता है, डी, और लायन क्या खाता है, डियर। द डियर डिपेंड्स अपॉन द प्लांट, और डियर किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है। इफ देयर इज नो प्लांट द डियर विल नॉट सर्वाइव। अगर डियर को प्लांट नहीं मिलेगा तो डियर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर डियर को हरी घास नहीं मिलेगी खाने के लिए तो क्या डियर बिना खाए सर्वाइव कर जाएगा, नो, नहीं कर पाएगा। एंड इफ द डियर विल नॉट सर्वाइव व्हाट विल द लायन ईट। अगर डियर भी सर्वाइव नहीं करेगा तो लायन जाएगा, तो लॉयन क्या खाएगा, इट विल नॉट गेट इंटेंस डाइट, और उसको कोई भी फ्लश नहीं मिलेगा और थोड़े दिनों में वो मर जाएगा लायन। सो वी सी दैट ऑल द एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और जैसे कि हमने देखा सारे प्लांट्स मतलब सारे जो एनिमल्स हैं वो डिपेंडेंट है ईच अदर पे, या तो मतलब हर्बीवोरस प्लांट पे डिपेंडेंट है और कार्निवोरस का हर्बीवोरस पे डिपेंडेंट है, तो सारे एक दूसरे पे ईच अदर डिपेंडेंट है। अगर इनमें से कुछ भी कहीं पर भी कहीं गड़बड़ होती है इनकी चेन, हर्बीवोरस, कार्निवोरस या ओमनीवोरस में, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इट ऑल्सो शोज दैट द बायोटिक कॉम्पोनेंट अच्छे तरीके से रन। ठीक है क्लास, यहाँ तक अच्छे से रीड करो आप।
हम लोग इवन ह्यूमन बींग्स भी एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है। हम लोगों को भी अबायोटिक अबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स चाहिए अपनी लाइफ को सर्वाइवल के लिए। इसी तरीके से जो डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ऑन प्लांट्स है, जैसे कि हमने अभी कैसे एनिमल्स डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे, बहुत सारे एनिमल्स सिर्फ खाने के लिए डिपेंडेंट नहीं होते, एज वेल एज उनको रहने के लिए भी प्लांट चाहिए, ट्री चाहिए। ठीक है, जैसे कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस, थ्री आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं जिनके बेसिस पे हमने तीन कैटेगरीज को डिफरेंशिएट किया हुआ है। एंड उसके अकॉर्डिंग कैसे एक हर्बीवोरस के ऊपर कार्निवोरस डिपेंडेंट है और कार्निवोरस एनिमल्स के ऊपर ओमनीवोरस डिपेंडेंट है। अगर इन तीनों में से किसी भी एक भी फीडिंग हैबिट्स में गड़बड़ होती है या एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर कार्निवोरस को हर्बीवोरस खाने के लिए नहीं मिलेगा, लायन को खाने को नहीं मिलेगा, तो लायन जिंदा कैसे रहेगा? और अगर डियर को मिलेंगे खाने के लिए तो डियर कैसे जिंदा रहेगा? अगर हमने इन पूरे एनवायरनमेंट को अच्छे से, मतलब हम इस चेन में कहीं पर भी कुछ गड़बड़ होती है तो एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है क्लास, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? अच्छे से रीड करो यहाँ तक क्लास। ऑल ऑफ यू रीड इट इन देयर।